हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो, कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहते हो, लेकिन आपके फेसबुक अकाउंट पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप ये अपडेट के बाद अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करोगे, आपके में डीएक्टिवेट का ऑप्शन कैसे आएगा, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस। चलिए चलती है मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं अपने प्रोफाइल दिखा देता हूँ। देखो, आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये वाले आईडी है जिसको मुझे डीएक्टिवेट करना है, कुछ दिनों के लिए बंद करना है। तो डीएक्टिवेट कैसे करोगे ध्यान समझना। आपने आईडी देख ली है, अब आपको बैक आ जाना है। मैं होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में आपको फ्रीलांस का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीलांस का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आपको फ्रीलांस पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्रीलांस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, आप फेसबुक के सेटिंग्स में आ जाओगे। अब आपको क्या करना, नीचे आपको टच नहीं करना, नीचे आपको कहीं नहीं जाना। ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, सिंपल भी आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मैं आपको फेसबुक का नया तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से डीएक्टिवेट कर सकते हो। बस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान समझना। यहाँ पर आपके प्रोफाइल आ चुकी है, आप फेसबुक के अकाउंट सेंटर में आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल डिटेल्स का, ये वाला पर्सनल डिटेल्स, ये वाला ऑप्शन आपको आएगा नीचे। तो सिंपल वे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं, अब आ रहा है पर्सनल डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला आपके सामने ऑप्शन आ गया, ये वाला सबसे लास्ट वाला, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, सिंपल वे आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लास्ट वाले पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का ऑप्शन डीएक्टिवेशन और डिलीशन। देखो, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो या फिर आप टेम्परेली करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, आपको इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो, आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएक्टिवेशन और डिलीशन। आपका फेसबुक अकाउंट आ जाएगा कन्फर्म करने के लिए, यही अकाउंट है जिसको आप डीएक्टिवेट करोगे या फिर डिलीट करोगे, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप टेम्परेली कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। मुझे अपना अकाउंट टेम्परेली डीएक्टिवेट करना है, मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब देखो आपके सामने डायरेक्ट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो, कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहते हो, तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालना कंपलसरी है, विदाउट पासवर्ड आप अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। पासवर्ड के बिना आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। और देखो, अगर आप अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हो, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता करें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जाकर उस वीडियो को देखो और अपने फेसबुक का पासवर्ड पता कर लो आसानी से। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट के बाद आप इसको फिर चाहे कभी भी रिकवर कर सकते हो आसानी। पर मैं अब अपना पासवर्ड नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा था कि आप अपना फेसबुक अकाउंट किस तरीके से डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब आपको बस इतना करना है, पासवर्ड डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा आसानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।